एक व्यंग्य रचना से आपको जोड़ता हूं। एक बिल्ला, अलवर की जनता तो बहुत जागरूक है, विधानसभा में भूत ही अलवर की वजह से आए। अलवर ने ऐसा परिणाम दिया कि भूत आ गए विधानसभा में। एक व्यंग्य रचना सौंपता हूं आपको कि एक बिल्ला एक गांव में रहा करता। बिल्ला जानते ना, बिल्ली वाला बिल्ला। एक बिल्ला एक गांव में रहा करता, आसपास की गलियों से झूठे बर्तन चाटा करता। बिल्ले का परिवार एक गरीब परिवार था, लेकिन बिल्ला दुनियादारी में बड़ा होशियार था। हमेशा सरकारी रोजगार पर लगी रहती थी नजरें उसकी, फिर भी सरकारी रोजगार नहीं मिलता तो चेहरे पर छाई रहती थी खुशकी। सरकारी रोजगार की तलाश में बिल्ला था बहुत ही बेहाल, जैसे अच्छे दिन आ गए फिर भी अपने वो के वही हाल। सरकारी रोजगार की तलाश में बिल्ला था बहुत ही बेहाल, जैसे अच्छे दिन आ गए फिर भी अपने वो के वही हाल। सरकारी रोजगार नहीं मिलने पर बिल्ली ने धंधे में घुसने की योजना बनाई और अपने धंधे को सफल बनाने की कई युक्तियां लगाई। बिल्ली ने सोचा कि धंधा ऐसा हो, हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग चढ़े चोखा, खूब पैसा आता रहे और ग्राहक झेलता रहे, धोखे पर धोखा और धोखे पर धोखा खाकर भी अपने को मौका देता रहे और अपना ही सामान लेता रहे। इस प्रकार बिल्ली ने खूब मंथन किया और खूब टटोला मार, तो ऐसा एक ही धंधा मिला, आस्था और धर्म। ऐसा एक ही धंधा मिला, आस्था और धर्म। अब बिल्ली ने धर्म के व्यापारियों वाले सारे पाखंड रचाए, उसके जटाजूट और मालाओं को देखकर सारे चूहे चकराए, उसके बढ़ते हुए वैभव को देखकर पूरे चूहे आसक्त हो गए और उसके लुभावने प्रवचनों को सुनकर सारे चूहे उसके परम भक्त हो गए। परम भक्त होते ही चूहों को बिल्ली ने कहा कि अंधे हो जाओ, हरि के दर्शन मिलेंगे। चूहे भी अंधे हो गए कि अच्छा है, प्रभु के दर्शन मिलेंगे। चूहों के अंधे होते ही वह बिल्ला उनके अंधेपन का दोहन करने लगा और उन चूहों की चूहियों पर सम्मोहन करने लगा। अब बिल्ला और बिल्ले के चेलों ने मिलकर धर्म की धारा ही मोड़ दी, पाखंड की भी सारी हदें ही तोड़ दी। लेकिन कौन पका हुआ फल नहीं जड़ा, एक दिन बरता ही है पाप का घड़ा। एक दिन वो पाप का घड़ा भरकर टूट गया और बिल्ले के काले कारनामों का भांडा फूट गया। तो हे इंसानों, हर इंसान के उस ऊपर वाले के हाथ में नकेल और वो बिल्ला आजकल जोधपुर में काट रहा है जेल। वो बिल्ला आजकल जोधपुर में काट रहा है जेल। धन्यवाद।